अंजाम बहुत करीब है और वक्त करीब आ चुका है। क्या कोई उम्मीद है? अगर आप झूठ से आगे देखें तो आपको सच्चाई नजर आएगी। क्या साइंस रूहानियत से हम आहंगी रखती है? क्या आप मजहब के बगैर रूहानियत हासिल कर सकते हैं? क्या कायनात के वजूद में आने का कोई मकसद है और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? इन सब सवालों का जवाब हाँ में है। गुज़िश्ता दो अशरों में एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में एक इंकशाफ हुआ कि कायनात में ऐसी मरकबात पाई जाती हैं जिनसे जिंदगी की इब्तदा हो सकती है। कशिश सकल की फोर्स में पाई जाने वाली कुवत और सूरज को कुवत बख्शने वाली न्यूक्लियर फोर्स, स्याह मादा और स्याह कुवत का जखीरा, ये सब और दीगर अहम मरकबात बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। हैरान कन बात यह है कि यही मरकबात जिंदगी के लिए जरूरी है। हम जिस खूबसूरत जमीन पर आबाद हैं वो आपके लिए बनाई गई है। ये नामुतनाही कायनात और इसको चलाने वाले कवानीन तो सिर्फ आपकी जरूरत और सहूलत के लिए बनाए गए हैं। इस जमीन पर आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है लेकिन आपको इस बारे में आगाही नहीं दी जाती। इंसान अगर सोच विचार करे तो उसको मालूम होगा कि कुदरती दुनिया कभी झूठ नहीं कहती। ये वही जगह है जहां हम अपने खालिक की हकीकत से वाकिफ हो सकते हैं।
हम कह सकते हैं कि खुदा मौजूद है? हम कैसे अपने खालिक को जानते हैं जिसकी बंदगी करनी चाहिए? Why should we not consider the theories of हमें नेचुरल सिलेक्शन, बिग बैंकिंग या इर्तकाज जैसी थ्योरीज पर क्यों नहीं अमल करना चाहिए जो कायनात में उसके खालिक की मौजूदगी के शवाहिद पेश करती हैं? उसकी वजह यह है कि इनमें कोई भी थ्योरी इस अमल को नहीं जुटला सकती कि कायनात के वसीओ अरीज इंतजाम को एक प्लान के तहत चलाया जा रहा है। इस इंतजाम में एक बैलेंस है, हर चीज अपनी जगह फिक्स्ड है, मुतवाजन है और इंतहाई अमीक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कोई भी मौकिफ रखें कि एक खालिक हकीकी या खुदा है, लेकिन एक बात तो यकीन से कही जा सकती है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम सब इस आलम में, इस दुनिया में मौजूद हैं। क्या हम मौजूद हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये सच है कि हम जिंदा हैं और हमें जिंदा रखने के लिए एक पेचीदा तरीन इंतजाम और माहौल फ्राहम किया गया है। और ये भी हकीकत है कि एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है और इस सारे इंतजाम का खालिक भी मौजूद है जो इसको चला रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि कुदरत के ये कमालात इत्तफाकन हैं जिस खालिक ने हमारी जिंदगियों में रंग भरे और हमारे लिए आसानियां पैदा की? वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। और जब हमारा मुस्तकबिल तारीख हो तो हमें सच्चाई और हकीकी इंसाफ के लिए सिर्फ उसी खालिक से मदद की उम्मीद रखनी चाहिए।